वेलकम टू एक्सेस स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा। अगर आप 50 में से अगर 40 प्रश्न सही करते हैं तो समझ लीजिए आप हिंदी एकदम सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो यश से युक्त हो उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। तो जो यश से युक्त हो उसके लिए क्या शब्द होगा, यशस्वी, यशोदा, यशोमती या फिर यसी। तो देखिए जो यश से युक्त हो उसके लिए शब्द हमारा होता है यशस्वी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो यश से युक्त होता है उसे हम यशस्वी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए खाक में मिलना का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। क्या होता है, खाक में मिलना का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खाक में मिलना मतलब बर्बाद हो जाना। अगला प्रश्न है, पीठ ठोकना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए पीठ ठोकना मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना यानी किसी का उत्साह बढ़ाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पीठ ठोकना चारों संदेह, बढ़ावा देना, कष्ट देना, रहस्य बताना या फिर साहस दिखाना। तो जो पीठ ठोकना होता है मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना यानी कि उसकी तारीफ करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकप्रिय कहावत का यह अर्थ है। अंधे के हाथ बटेर, देखिए ये बिल्कुल नहीं है। अधगल गगरी छलक जाए यानी कि जो ओछा मनुष्य दिखावा अधिक करता है। अपनी डफली अपना राग, मतलब ये तो अलग हो गया। देखिए बुद्धि बल से बड़ी होती है, इसका जो अर्थ होता है कि अगल बढ़िया भैंस का ये अर्थ होता है। अगल बढ़िया भैंस का अर्थ होता है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो जो PDF फाइल आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति से हमारी ये अनुरोध है कि कम से कम आप 5 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसे हमारा साथ देंगे तो आपको रेगुलर जो अच्छे वीडियो हैं दोस्तों मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि वर्तनी के हिसाब से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। देखिए कौशल्या, तो मैं बताना है कौशल्या का सही क्या होता है। जो कौशल्या होता है ये सही अगर हम लिखना चाहें तो देखिए कौशल्या हम ऐसे लिखेंगे, कौशल्या हमारा सही क्या होता है, ये हमारा कौशल्या का शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कौशल्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कौशल्या का। अगला प्रश्न है, विषाद शब्द का विपरीत क्या होता है। देखिए हर्ष का होता है विषाद, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख। देखिए जो शब्द होता है उसका एकदम उचित जो हमारा विलोम होता है वही बताना चाहिए। देखिए विषाद का हमारा क्या होता है, हर्ष। दुख का विलोम क्या होगा, सुख। दुख का विलोम सुख और हर्ष का विलोम विषाद होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। तो देखिए इंदिरा गांधी, ये इनकी मातृभाषा हिंदी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की मातृभाषा हिंदी थी और चौधरी चरण सिंह की भी मातृभाषा हिंदी थी, लेकिन मोरारजी देसाई की जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें बताना है कि किस रस का प्रयोग हुआ है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ए बतियां सुनी रोखी। तो बताना है कि उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा वियोग श्रृंगार। इसमें क्या है, इसमें वियोग श्रृंगार के जो भाव है प्रकट हो रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, देखिए इसमें वियोग श्रृंगार का जो है उल्लेख किया गया है। अब देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अलग अलग रस होते हैं इनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है रति या प्रेम होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, और करुणा रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुणा रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो आपको हर रस का स्थायी भाव भी याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है, देखिए ये फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। तो जो रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वो भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में रस के बारे में जानकारी दी है, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, भरत मुनि ने रसों की संख्या को 8 माना है। कितना माना है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, कह बिरहीन को मीच दय, कह आपा दिखराए, 8 पहर का दीछड़ा मोपे सहा न जाए। देखिए दिया है विरहीन, इसमें विरह की बात हो रही है। देखिए इसमें पहचाने कौन सा रस होगा, तो बात हो रही है विरह की। देखिए इसमें भी वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोग की बात जहाँ पर भी हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग, और दोनों का जो स्थायी भाव होगा वह रति या प्रेम ही होता है। शांत रस के स्थायी भाव की बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद,
और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भक्ति रस का होता है, तो भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। क्या होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। तो आपको स्थायी भाव याद रखना है। अगला प्रश्न है, अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटो मही जगत लगतव राजू। इसमें बताना है कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से हमारा जो रौद्र रस का बात है, देखिए इसमें क्या लिखा है, अतिरस बोले बचन कठोर, यानी कठोर बचन यानी कि रौद्र रस इसमें प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, इसमें रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। अगर हम इसमें फिर सभी ऑप्शन की बात करें तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। और करुणस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुणस का स्थायी भाव होता है शोक। तो चारों ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो गए। अगला प्रश्न है, 55 खंभे लाल दीवारें किसकी कृति है। तो 55 खंभे लाल दीवारें जो कृति है वो है उषा प्रियंवदा की। किसकी है, उषा प्रियंवदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। तो आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, तो जो आधे अधूरे है यह मोहन राकेश की प्रसिद्ध कृति है, मोहन राकेश। इसके अलावा मोहन राकेश की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है महलों के राजहंस। धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मवीर भारती का जो सूरज का सातवां घोड़ा है, इनकी प्रसिद्ध रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए आगे के जो 5 क्वेश्चन है उसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसका चयन करना है। आगे के जो हमारे 5 क्वेश्चन होंगे उसमें शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आप किधर को जा रहे हैं। देखिए ये सेंटेंस गलत है। आप कहाँ को जा रहे हैं, ये भी वाक्य गलत है। आप कहाँ जा रहे हो, ये भी वाक्य गलत है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप कहाँ जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देखते हैं, ऐसी एक आध बातें और देखने में आती हैं। देखिए ये सेंटेंस गलत है। एक आध मतलब एक है, तो बातें हम नहीं कह सकते हैं। ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है, तो देखिए ये भी सही नहीं है। ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है, देखिए ये सही है। यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा यहाँ पर सही नहीं होगा। देखिए ऐसी एक आध बात और सुनने में आती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है वाक्य। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। देखिए ये सेंटेंस साफ साफ पढ़ने से गलत लगता है। देखिए आपको पढ़ के समझ में आ जाए कौन सही गलत है। जैसा कि हमारा विचार तो यही है, देखिए एकदम सुनने में सही नहीं लग रहा है। जैसा कि हमारा विचार तो यही है, ये भी गलत है। लेकिन हमारा विचार तो यही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देखिए एकदम सही सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा सेंटेंस। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो, देखिए ये गलत है। ये पुस्तक के छात्रों को बांट दो गलत है। ये पुस्तक के छात्र को बांट दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम और सीता वन में गए गलत है। राम और सीता वन गए, ये भी गलत है। राम और सीता वन को गए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें बताना है सही वर्तनी वाला जो शब्द है उसको छांटना है, यानी जो सही लिखा हुआ है। तो देखिए जाज्वल्यमान कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा है। जाज्वल्यमान के लिए जो ऑप्शन ए एकदम सही वर्तनी वाला आंसर है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचयिता कौन है। देखिए गीतांजलि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो गीतांजलि किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, और यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी थे। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है। तो भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है यह किस लेखक की रचना है। तो देखिए ये मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किसकी, मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। तो देखिए 2, 3, 4 या 5 जो तो 3 अक्षरों का समूह होता है उसे गढ़ कहा जाता है। किसे, 3 अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला एक प्रश्न है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। मितभाषी मतलब जो कम बोलता है। अभेद मतलब जिसका भेद न जाना जा सके। और नास्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रहता वो नास्तिक होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है। तो यहाँ पर याद रखना कि उपसर्ग पहले जोड़ता है, उपसर्ग पहले जोड़ता है और प्रत्यय बाद में जोड़ता है। तो अधिवेशन में पहले क्या जुड़ा है, देखिए अधि पहले जुड़ा है। तो अधि हमारा क्या है,
अधिवेशन में अधि हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है, बताना है कमल का कौन सा नहीं। देखिए पयोज, पय में देखिए आपको याद कैसे रखना, देखिए पयोज है या नहीं, देखिए पय मतलब पानी होता है, जम मतलब जन्म लेने वाला, तो पयोज यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल होता है, बिल्कुल सही है। कुबलय मतलब भी होता है कमल, बिल्कुल सही है। अम्ब मतलब देखिए अम्बू मतलब भी जल, और अम्बुज अम्बू में जन्म लेने वाला कमल, बिल्कुल सही। लेकिन जो हमारा अब्द है, अब्द जो हमारा है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप कई प्रश्न याद रख सकते हैं, देखिए कई पर्यायवाची, देखिए पय मतलब हमारा होता है पानी, तो अगर हम धी लगाते हैं तो पय को धारण करने वाला समुद्र हो जाएगा। पय देखिए हमारा पानी होता है, अगर इसमें हम द लगा दें तो पयोद हमारा क्या हो जाएगा, पय को देने वाला यानी कि जल को देने वाला हमारा बादल हो जाएगा। अगर इसी हम पयो में क्या लगा दें, पयो पयो ज लगा दें, तो पय में जन्म लेने वाला हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कमल। इसी प्रकार आप देखिए नीर लगा सकते हैं, देखिए हमारा जो नीर होता है, नीर मतलब पानी, अगर नीरज लगा दें तो नीर में जन्म लेने वाला कमल, नीर में अगर हम द लगा दें तो नीर को देने वाला बादल हो जाएगा, और नीर में अगर हम धी लगा दें तो नीर को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है बना सकते हैं बहुत सारे पर्यायवाची, अगर अंबू में हम जल लगा दें तो अंबुज यानी कि अंबू में जन्म लेने वाला कमल, अंबू द तो यानी कि बादल हो जाएगा अंबू को देने वाला, और अंबू धी तो बादल जल को धारण करने वाला समुद्र हो जाएगा। तो यहाँ से आप पर्यायवाची याद रख सकते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, रवि तनया रवि सुता ये सभी यमुना के पर्यायवाची है, और देखिए अर्क मतलब होता है सूर्य, अर्कजा सूर्य से जन्म लेने वाले को ही हम यमुना बोलते हैं, तो ये भी पर्यायवाची है। लेकिन जो भिलिंगा है ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर डी भिलिंगा जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। तो देखिए इसमें लिखा है कि लागे बूंद विनस जाए यानी कि बूंद विनस जाए छिन में यानी कि क्षण में शरीर का विनाश हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए शांत रस का सीधे सीधे दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है इसमें शांत रस हो जाएगा, मन रेतन कागज का पुतला यानी कि इसमें शांत रस की भावना साफ साफ दिखाई दे रही है। अब बात आइए शांत रस की, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, देखिए वैराग्य, या तो वैराग्य होता है या तो निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। श्रृंगार का मैंने बता दिया रति या प्रेम होता है, करुण रस का क्या होता है शोक होता है, भक्ति रस का क्या होता है भक्ति रस का अनुराग होता है, सही इसका स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाओ, इसमें कौन सा रस का प्रयुक्त हुआ है, देखिए इसमें लिखा है मैं तो गिरधर संग जाऊं, इसमें साफ साफ है प्रीतम की बात हो रही, तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताया रति या प्रेम, करुण का शोक होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग होता है, और अद्भुत रस का क्या होता है विस्मय या आश्चर्य, अद्भुत रस का क्या होता है विस्मय या आश्चर्य। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें भी बताना है किस रस का प्रयोग हुआ है इस प्रश्न में, तो पढ़ना पड़ेगा धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जी पाऊंगा। देखिए जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है तब का ये राम जी का ये उद्बोधन है कि सीता गई तुम भी चले मैं जी न पाऊंगा, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा रस है, देखिए यहाँ पर दो भाइयों में विलाप का इसमें दृश्य दर्शाया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें करुण रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो इस पद में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करुण रस सही हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा की समूह की बोली है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है, तो जो हमारी बुंदेली बोली जाती है यह पश्चिमी हिंदी की भाषा है, कौन सी है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की समूह की बोली है। अब देखिए अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी भाषा आती है, देखिए कौरवी या खड़ी बोली, ब्रज बोली, कन्नौजी, ये सब जो हमारी आती है बुंदेली, ये सब पश्चिमी हिंदी की बात अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में क्या आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। और बिहारी हिंदी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है, तो बिहारी हिंदी में तीन भाषाएं आती हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। और बुंदेली की बात करें तो ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है, कविता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और यह छायावाद्य कवि थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
आचार्य भरत ने रसों का कितने रसों का उल्लेख किया? देखिए मैंने आपको बताया था भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया, तो ऑप्शन नंबर बी 8 रस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, शांतश्चन वनाट्ये रसा स्मृता कहकर नौवें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की है? तो नौवें रस जो प्रतिस्थापना की है वह उदय भट्ट ने की है, ऑप्शन नंबर सी उदय भट्ट ने की है। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी? तो भोजराज ने जो है श्रृंगार को रसराज की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है काव्यशास्त्र के अनुसार रसों का सही संख्या क्या है? देखिए भरत मुनि ने 8 रस को माना है, लेकिन काव्यशास्त्र के अनुसार जो रसों का सही संख्या माना जाता है वो 9 माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी 9 माना जाता है। अगला प्रश्न है गणों की सही संख्या क्या है? तो जो गणों की सही संख्या वो 8 मानी गई है, गणों की सही संख्या 8 मानी गई है। अगला प्रश्न है दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? तो जो दोहा और सोरठा हैं दोनों अर्धसमात्रिक छंद हैं, अर्धसमात्रिक छंद। दोहा और सोरठा दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहा के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में पहले तीसरे में 11-11 दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहां से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोहा और रोला के संयोग से क्या बनता है? देखिए दोहा और रोला के बनने से कुंडलिया बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी दोहा और रोला के मिलने से कुंडलिया बनता है। अगला प्रश्न है हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? तो हिंदी में जो छंद शास्त्र का जो सर्वाधिक विस्तृत विवेचन है वह भिखारी दासकृत छंदोड़ पिंगल में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए भिखारी दासकृत छंदोड़ पिंगल में हुआ है। अगला प्रश्न है छप्पे के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? तो जो छप्पे के प्रथम 4 चरण होते हैं वह रोला के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी रोला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शांत रस का स्थाई भाव क्या? दोस्तों मैंने कई बार बताया शांत रस का स्थाई भाव है निर्वेद, ऑप्शन नंबर ए शांत रस का स्थाई भाव क्या है? निर्वेद। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो जो चौपाई है वो मात्रिक छंद है और दोहा सोरठा क्या है वो अर्धसमात्रिक छंद है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 50 प्रश्न दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर किया करिए और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप जितने लोगों तक वीडियो पहुँचाते हैं उतना हमें अच्छा लगेगा और हम आपके लिए उतने ही अच्छे से वीडियो रेगुलर लाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।